हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, मैंने एक लॉक लगाया था जो कि लॉक मैं भूल चुका हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसके लॉक को कैसे तोड़ा जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर यही सब बात करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड और गलत बता रहे हैं, फिंगरप्रिंट तो यहाँ पे है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं आप इसको कैसे पैटर्न लॉक को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस फोन को स्विच ऑफ करना होगा। तो मैं फटाफट से इसको स्विच ऑफ कर लेता हूँ। स्विच ऑफ करने के बाद इसको नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन करना है। और ये मेरे पास ओप्पो A9 2020 है, इसी को रीसेट करके दिखा रहा हूँ। आपका ये जो हो चुका है, अब इसके बाद आपको ये वाला बटन और ये वाला बटन एक साथ में दबाना है, वॉल्यूम डाउन बटन और ये अप बटन है, ये वाला नहीं दबाना है, आपको ये वाला दबाना है। तो आप देख सकते हैं, इसको फटाफट से इसको प्रेस करते हैं यहाँ पे, और ये दोनों एक साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं फटाफट से प्रेस करता हूँ, उसके बाद फटाक से ऊपर वाला आपको प्रेस कर देना है। जैसे बूट होने लग जाए तो आपको ऊपर वाला प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे रिकवरी मोड में आ जाएंगे, और यहाँ पे ऊपर नीचे करके आप इंग्लिश हिंदी को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं फटाफट से इंग्लिश को सेलेक्ट कर लिया। आप उसके बाद यहाँ पे टैप करूंगा, टैप करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे टच काम करता है, इसके लिए स्वाइप डाटा पे जाना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे बस स्वाइप डाटा पे क्लिक कर देना है। आपको फॉर्मेट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, उसके बाद स्किप पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपका जो फोन है वो रिसेट हो चुका होगा इजिली। तो फ्रेंड्स, थोड़ा वेट करना है और इजिली आपका जो फोन है वो रिसेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फॉर्मेट हो चुका है, उसके बाद ओके कीजिए। थोड़ा वेट करना है क्योंकि यहाँ पे आपको सेटअप भी करना होगा। और फ्रेंड्स, एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर आपका वो स्वाइप आगे नहीं हो रहा है और लॉक मांग रहा है, तो आप इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका वीडियो अलग से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। जो आपका बाईपास लग जाता है तो उसके ऊपर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो, तो वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो थोड़ा ये वेट लग रहा है, उसके बाद ये पैटर्न लॉक इजीली आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो थोड़ा वेट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है काफ़ी देर तक चल सकता है, तो मैं काफ़ी देर से ये प्रोसेस हो रहा है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं बीच में, क्योंकि ये आपका प्रोसेस हो रहा होगा तो इस बीच में आपको वेट करना है, ना कि आपको परेशान हो रहा है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी देर बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस आया है। उसके बाद आप यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है अपना लैंग्वेज, उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर स्किप का बटन दिखेगा, स्किप कीजिए। उसके बाद फिर से नेक्स्ट कीजिए, और आप चाहे तो यहाँ से वाईफाई असिस्टेंट इनेबल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से इस पर नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे की तरफ क्लिक करना है, अगर ऐसे होगा तो उस ऊपर की तरफ, उसके बाद एक्सेप्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद इस वाले सेटिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ आप चाहे तो यहाँ से पैटर्न लॉक लगा सकते हैं, लेकिन मैं स्किप कर देता हूँ, यहाँ से लॉक नहीं लगाना है। उसके बाद स्किप पे क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और आप देखेंगे कि आपका ये पूछ रहा है न्यू फोन ओल्ड फोन को इम्पोर्ट करना चाहते, तो नहीं, मैं न्यू सेटअप करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है ऐप वगैरह चाहिए, इनमें से टिकटॉक हो गया आपका, इंस्टाग्राम, ये सब वगैरह, तो मैं इन सबको बैक कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ। उसके बाद स्टार्ट आपको OS 6 दिखा रहा है आपको, तो यहाँ से आपको इसको नेक्स्ट कर देना है। तो फटाफट मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके से, आपको एक ही बार क्लिक करना होता है, उसके बाद आपको वेट करना होता है। उसे दो बार भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके बाद आपको वेट करना होता है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए, ब्राउजिंग आई एग्री एक्सिट पे क्लिक कर दीजिए। मैं एग्री नहीं किया मैंने, और यहाँ से ये सब नोटिफिकेशन आए, तो इन सब को आप ऑफ कर सकते हैं, सिंपली इस तरीके से इसको प्रेस करके रखिए।
और यहाँ से ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, आप चाहे तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में पैटर्न लॉक को रिमूव कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आप लोग का रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर।